कन्हैया कहाँ है? बोले क्यों? बोले जो तुम्हारे घर में राधा नाम की लड़की आती थी उसे किसी सर्प ने खा लिया। बोले कब? बोले आज। बोले दिखाया नहीं? बोले दिखाया सब है लेकिन आराम ना है मिलो। बोले ये कौन सा हॉस्पिटल खोलूं? बोले अगर कन्हैया चले गए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। मैया बोली जब कन्हैया ने कब से भगत ही सीख ली तो ललता बोली मैया तुम्हें ना मालूम अरबारो जाने तब चैन परेरा आरो जतिरो कारो कन्हैया को बुलाया मैया सोदा ने भेजा जा राधा को ठीक करे आओ। कन्हैया पहुंचे ललता बोली हटो भगत को ले आए। अब कन्हैया सोची हम मंत्र अंतर जानता ना है भला ठीक कैसे करे। ललता बोली कौ चीज की जरूरत ना। कन्हैया ने सोची भगत ही हमें जौना मालूम का चीज की जरूरत हो उल्टी सीधी सामग्री सब मंगवा ली। अब बोले अब काहे का तो गलत संत मंत्र रहे सो कन्हैया पढ़न लगे ती काली काली जय जय काली काली चढ़ाऊं तोई नीला हरा उड़तिया में चिनमय तोई काले ने खाओ कारो यारे में ना जाने तोई उठ के बैठो बिसियरा मेरे काय को रहे तुम सोए। अरे अब कान में कह दई कन्हैया कान लगे धोरी रहो धरी रहो। बाद में पूछी कोई अब दिक्कत तो ना है कोई परेशानी तो ना है? राधा बोली तुम्हें जानो दिक्कत है या नहीं है परेशानी है कि नहीं है। कन्हैया बोले हां बताओ कौन दर्द दर्द तो ना हो? राधा बोली तुम्हें जानो दर्द हो ही रहो कि ना हो रहो मतलब कि हरि ने पूछी क्या हालत है और राधा बोली खुदई जानो हरिने पूछी अब दर्द का राधा बोली खुदई जानो। हरने पूछी असलियत को राधा बोली खुदई जानो। राधा को वरदान दिया भगवान कन्हैया ने वहां से चले आए। एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे उसके बाद गुरुजी के मुखारविंद से आप लोग कथा सुनेंगे मंच पे आसीन है। ताली बजा के सब लोग बोलेंगे कि देखत ओ है पारो और कन्हैया देखत को देखत Oh,
तक को